हे गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूँ संडे राइड के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों जा रहे हैं। बहुत दिनों से कहीं गए नहीं थे, तो सोचा थोड़ा पिकनिक जैसा भी हो जाए। तो अभी सुबह के बजे हैं चार बज रहे हैं, सॉरी 5 बजने वाले हैं अभी सुबह के। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अभी, थोड़ा बारिश भी है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन बारिश भी बहुत हो रही है। तो हम लोग लेकिन आज राइड ज़रूर करने वाले हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं इडर, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी देखने लायक जगह पे जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो इडर यहाँ से मेरे घर से करीब 80-90 किलोमीटर है, करीब 1.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। तो यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है, ये बारिश में राइड करने का थोड़ा मज़ा भी होता है, थोड़ा डेंजर भी लगता है क्योंकि स्लिपरी रोड हो चुके होते हैं, गड्ढे भी बहुत होते हैं रोड पे। तो शांति शांति से जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। तो फाइनली मैं इडर पहुंच चुका हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब था। बीच में जो हिम्मत नगर वाला रोड है, पूरा हाईवे है, वो बहुत जगहों से बहुत ख़राब है। और ये बारिश की वजह से मुझे अपना वाइज़र खोल के बाइक चलाना पड़ता है, तो बारिश की बूंदें जो होती है वो बहुत आँख पर लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चला पाया बाइक अपना, तो मैं बहुत शांति से आया हुआ हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि मुझे 45 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं ओनली 80 किलोमीटर्स काटने के लिए। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे इडरिया गढ़ पे। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो और एक रास्ता आप बाइक लेके भी जा सकते हो। बाइक लेने नहीं जाए, अड़से होती जैसे अहीं पगथिए थी जाओ, अहीं थी बाय, अहीं थी का, हाँ अहीं थी ना। थैंक यू। તો નહીં જવાનું હોય ને પછી ઉપર જવાનું
ગાડીવાનો આમ નતો લાગતો તને પેલી વાત આ છોકરો છે એને પૂછવું છે પેલું ઈડરિયા ગઢ પર બાઇક લઈને જવું હોય તો આ બાજુ બાઇક લઈને ઈડરિયા ગઢ પર જવા માટે ના ના ઉપર જવું છે પાછળથી પછી તો સીડી ચડી પડે ને સીડી ચડીને જવું પડે ને ના ના એ વાત નહીં બાઇક લઈને થેન્ક યુ નહીં આવો વળતા કેમ ના આવીશું પાછા વરસાદ વધી ગયો તો ચડા ધીમે ધીમે સાઈડ સાઈડ માં જતા જોરાઈ આટલે બધે આવ્યા છે તેથી અરે એમ ના ચલાવી કેટલું બધું એકાદ દેખાણ તો બેસ ને ભાઈ ફટાફટ જતા રહી ઘરે મૂકી ની લાગતી ના હોય એટલો શું કરવા પગથિયા તડવું એવું
સારું ચાલો હેડો. तो बस सफर यहाँ तक का ही था, क्योंकि यहाँ ऊपर से जाने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है. आप देख सकते हो कि बारिश भी बहुत हो रही है और रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. और यहाँ ऊपर से तो पूरा पानी गिर रहा है. तो अभी हम लोग आगे नहीं जाएंगे, बारिश बहुत तेज़ है. मैं तो चला जाता लेकिन ये, तो बस आज यहीं तक जाएंगे. फिर एक बार और आएंगे हम लोग, तब ऊपर जाके आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा. अभी तो आप इतना ही एंजॉय कर सकते हो. रोड रोड भी दिखा दीजिए यार, जरा रोड भी दिखा दीजिए. बहुत ही बारिश पूरा. मैं सुबह का 4 बजे उठ के इस राइड का प्रिपरेशन किया और अभी यहाँ तक आए और अभी ऊपर ना जाए. थोड़ा डेंजर है लेकिन, क्योंकि अगर कहीं पे बाइक फंस गई तो निकालने के लिए तो कोई चाहिए. ओ भाई वो देखो अकेली निकल पड़ी है अभी. तो चलिए मिलते रहेंगे आपको इसी तरह किसी एडवेंचर राइड में. तो अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं. तो बाय बाय, टेक केयर, शब खैर.